पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फॉरेस्ट के अंदर एक ओल्ड मैन ऐश को एक ट्रेड ऑफर देता है, जहां पर उसको अपने हुपा के बदले 3 रेयर पोकेमोन्स दिए जा रहे थे, जो कि थे मिथिकल पोकेमोन डार्क रैम, मेलोवेटा और डिओक्सियस। काफी सोचने के बाद और अपना फ्रेंड्स का ओपिनियन लेने के बाद ऐश इस ट्रेड को मना कर देता है, यानी कि वो अपना हुपा ट्रेड नहीं करता। ऐश और उनके फ्रेंड्स को शक होता है कि वो पोकेमोन ओल्ड मैन ने चुराए हैं, जिसके चलते वो उनको बचाने जाते हैं, पर तभी ओल्ड मैन वहां पर आ जाता है। अब आगे ओल्ड मैन बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरे घर पे बिना पूछे कैसे घुस गए, हमने तो ट्रेड के लिए मना कर दिया था। ऐश और उसके फ्रेंड्स डर जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो तीनों पोकेबॉल्स अभी भी ऐश के पास थे और इसके बारे में ओल्ड मैन को कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए ऐश और उसके फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं ओल्ड मैन को बिना कुछ बताए। ओल्ड मैन उन पे काफी गुस्सा होता है और वो अपने घर के अंदर आता है। तब तक ऐश और उसके फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं। ओल्ड मैन घर के अंदर जाता है और वो अपने पोकेबॉल्स को ढूंढता है, जहां पर उसको अपने पोकेबॉल्स देखने को नहीं मिलते। वो कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक से उसके पोकेबॉल और 3 मिथिकल पोकेमोन कहां पर चले गए। तभी उसको याद आता है कि जब वो खाने इकट्ठा करने गया था, तभी ऐश और उसके फ्रेंड्स अंदर आके वो पोकेबॉल लेकर गए होंगे। बट वो सोचता है कि आखिर ऐश और उसके फ्रेंड्स ऐसा क्यों करेंगे, उनको क्यों वो 3 पोकेबॉल चाहिए थे। बट फिर भी वो बाहर जाता है और ऐश और उनके फ्रेंड्स को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर दूसरी तरफ ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री और सेना उस घर से काफी दूर आगे होते हैं, एंड अब उनको लग रहा था कि ओल्ड मैन वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। वो तीनों ही पोकेबॉल से उनके अंदर के पोकेमोन बाहर निकालते हैं, जिसमें से निकलते हैं मिथिकल पोकेमोन डार्क राय, मेलोवेटा और डिओक्सियस। बाहर निकलते ही वो पोकेमोन ना ही भाग रहे थे और ना ही मूव कर रहे थे, बिल्कुल रोबोट के तरह बिहेव कर रहे थे, जिसको देखकर ब्रॉक शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि ये किसी भी पोकेमोन का नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तभी ऐश डिओक्सियस को साइकिक अटैक यूज करने बोलता है हवा में, और डिओक्सियस बिल्कुल ऐसा ही करता है। बाकी दोनों पोकेमोन यानी कि डार्क रे और मेलोवेटा भी बिल्कुल इसी तरह बिहेव कर रहे थे, वो ऐश के हर एक ऑर्डर को मानते थे। इसके बाद ब्रॉक, मिस्ट्री और सेना तीनों भी कुछ ऑर्डर्स देते हैं और वो तीनों पोकेमोन उनके ऑर्डर मान के अटैक्स कर देते हैं। मिस्ट्री बोलती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, कोई भी पोकेमोन अपने ट्रेनर के अलावा किसी और के ऑर्डर्स नहीं मानता है, खासकर मिथिकल पोकेमोन, वो ह्यूमंस को पसंद नहीं करते हैं और ह्यूमंस को देखते ही यहाँ से भाग जाते हैं। बट ये पोकेमोन्स ना ही भाग रहे हैं और ना ही हमारे ऑर्डर्स मानने से मना कर रहे हैं, जो कि काफी स्ट्रेंज है। तभी ब्रॉक उन सारे पोकेमोन्स को अच्छे से एनालाइज करता है और इसके बाद वो बोलता है कि मुझे इसका रीजन पता चल गया। ऐश बोलता है क्या इसके पीछे का क्या रीजन है। ब्रॉक बोलता है कि इन तीनों ही पोकेमोन्स के पीछे एक एक चिप लगी हुई है, एंड शायद इसी चिप के चलते ये पोकेमोन्स रोबोट की तरह बिहेव कर रहे हैं और सबके ऑर्डर्स मान रहे हैं, यानी कि ओल्ड मैन पक्का एविल है। तभी ऐश और उनके फ्रेंड्स एक एक करके तीनों पोकेमोन्स के चिप को बाहर निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो मेलोवेटा के चिप को बाहर निकाल देते हैं, इसके बाद वो डिओक्सियस के चिप को बाहर निकालते हैं। पर जैसे ही वो डार्क रे के चिप को निकालने वाले होते हैं, ऐश के हाथ पे कोई पोकेमोन आर्म थ्रस्ट का यूज कर देता है, एंड वो पोकेमोन और कोई नहीं बल्कि मचैम था। तभी ऐश और उनके फ्रेंड्स पीछे देखते हैं एंड वहां पर वो ओल्ड मैन भी था, यानी कि वो मचैम ओल्ड मैन का था। ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोकेमोन्स को चोरी करके यहाँ पे लाने की, ये तो एक क्राइम है। ऐश बोलता है क्राइम तो तुम कर रहे हो इन पोकेमोन्स को चिप लगा के इनको कंट्रोल करके। पोकेमोन्स को नॉर्मली रहने दिया जाना चाहिए, उनको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, ये काफी ज्यादा गलत है। ओल्ड मैन काफी शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि इनको इसके बारे में कैसे पता चला। बट वो बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, इन पोकेमोन्स को मैंने खुद कैच किया है और ये मेरे ऑर्डर्स भी मानते हैं, जो कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। ओल्ड मैन बोलता है कि डिओक्सियस साइकिक अटैक का यूज करो, बट डिओक्सियस उसकी बात नहीं मानता है और वो वहां से भाग जाता है। ओल्ड मैन ये देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर डिओक्सियस ने उसकी बात कैसे नहीं मानी। इसके बाद वो बोलता है कि हो सकता है कि डिओक्सियस ने मुझे ना पहचाना हो। वो बोलता है कि मेलोवेटा तुम भी साइकिक अटैक का यूज करो, बट मेलोवेटा भी उसकी बात नहीं मानती, उल्टा वो ओल्ड मैन के ऊपर साइकिक अटैक का यूज कर देती है, जिससे वो ओल्ड मैन को कंट्रोल करके उसको पीछे पुश कर देती है और वो ट्री पर जाकर लड़ जाता है। ओल्ड मैन बोलता है ये क्या मेलोवेटा तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो। इसके बाद वो डार्क रे को डार्क पल्स अटैक यूज करने बोलता है और डार्क रे उसकी बात अच्छे से मानता है। ओल्ड मैन बोलता है कि देखो इससे प्रूफ हो जाता है कि ये मेरे ही पोकेमॉन्स हैं। ब्रॉक बोलता है कि इससे ये नहीं प्रूफ होता, बल्कि इससे ये प्रूफ हो जाता है कि तुमने इन पोकेमॉन्स को चिप का यूज करके कंट्रोल किया है। हमने डिओक्सियस और मेलोवेटा के चिप को बाहर निकाल दिया था, जिसके चलते वो तुम्हारी बात नहीं मानते हैं और तुम्हारे ऊपर ही अटैक कर देते हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि वो पोकेमॉन्स तुम्हें काफी ज्यादा हेट करते हैं और तुम्हारे पोकेमॉन नहीं है। ओल्ड मैन बोलता है कि पर डार्क रे ने तो मेरी बात मानी। ब्रॉक बोलता है कि वही पॉइंट है, हम डार्क रे का जब चिप निकालने जा रहे थे तो तुम्हारा मचैम बीच में आकर आर्म थ्रस्ट का यूज कर देता है, जिसके चलते हम उसके चिप नहीं निकाल पाते हैं। अब हमें चिप निकालने दो, फिर देखते हैं कि वो तुम्हारी बात मानता है कि नहीं मानता है। ओल्ड मैन बोलता है कि नहीं, वो मेरे पोकेमोन से तुम चिप को नहीं निकाल सकते। बट फिर भी ऐश चिप को निकालने जाता है, तभी मचैम एक और आर्म थ्रस्ट का यूज करने आ रहा होता है, पर पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज करके मचैम को फेंट कर देता है।
और फाइनली यस डार्क राय का चिप निकाल देता है, जिससे डार्क राय भी बिल्कुल एक्टिव हो जाता है पहले की तरह, और वो सभी के ऊपर डार्क पल्स का यूज करता है, जिससे ऐश, उसके फ्रेंड्स और वो ओल्ड मैन इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद डार्क राय भी वहां से भाग जाता है। ब्रॉक बोलता है कि तुम देख सकते हो कि जैसे ही हमने डार्क राय की चिप निकाली वो भी नॉर्मल बिहेव करने लगा, हमारे ऊपर अटैक कर दिया और वो वहां से भाग गया, जो कि मिथिकल पोकेमॉन्स या फिर लेजेंडरी पोकेमॉन्स का नॉर्मल बिहेवियर है। वो इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उनको देखते ही भाग जाते हैं। वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि मुझे किसी भी तरह से वो 3 पोकेमॉन वापस ला के दो, वरना तुम्हारे साथ सही नहीं होगा। बट ऐश और उसके फ्रेंड्स मना कर देते हैं। तभी वो मचैम को ऐश और उनके फ्रेंड्स के ऊपर सबमिशन अटैक यूज करने बोलता है। बट ऐश बोलता है कि ये ट्रिक तुम्हारी काम नहीं आने वाली, पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का यूज करो, जो कि मचैम पर लग जाता है और मचैम एक ही हिट में हार जाता है। तभी ओल्ड मैन मचैम को पोकी बॉल के अंदर वापस लेता है और वहां से भागने लगता है। बट ऐश और उसके फ्रेंड्स उसको भी नहीं छोड़ते, पिकाचू ओल्ड मैन के ऊपर थंडरबोल्ट यूज करता है और वो सभी इंजर्ड हो जाते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स ओल्ड मैन के पास जाते हैं एंड उनको समझाते हैं कि ये सब गलत है, हमें पोकेमॉन्स को इस तरह से कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तुम जेन्युइन तरीके से भी लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन को कैच कर सकते हो, जिस तरह से मैंने कैच किया है। सैना बोलते हैं कि हाँ तुम बिलीव नहीं करोगे, बट ऐश के ज्यादातर मिथिकल या फिर लेजेंडरी पोकेमॉन खुद ऐश के टीम में आए हैं, ना कि ऐश को उनको फोर्स या फिर बैटल करना पड़ा था। हाँ कुछ ऐसे पोकेमॉन है जो कि बैटल करके आए हैं, बट वो भी फेयर है, पोकेमॉन वर्ल्ड का यही रूल है। ओल्ड मैन अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है और वो बोलता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। जिसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स ओल्ड मैन को छोड़ देते हैं। ब्रॉक भी ओल्ड मैन को कुछ पोषण देता है अपने मचैम को हील करने के लिए और ओल्ड मैन वहां से चले जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी खुश होते हैं मिथिकल पोकेमॉन्स को छुड़ाकर। मिस्टी बोलती है कि डियोक्सिस मेलोएटा और डार्क राय का ओरिजिनल हैबिटेट नॉर्दर्न रीजन नहीं है, वो कहीं और पर ही रहते हैं। जैसे कि डार्क राय सिनो से बिलोंग करता है, डियोक्सिस बिलोंग करता है से, वहीं पर मेलोएटा बिलोंग करती है यूनोवा रीजन से। पता नहीं वो यहां पर सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। ब्रॉक बोलता है कि हमें उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो मिथिकल पोकेमॉन्स है, वो किसी को भी दिक्कत नहीं पहुंचाएंगे एंड खुद सेंस करके अपने घर चले जाएंगे। सैना बोलती है कि फिर ठीक है। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ते हुए उन्हें काफी सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं। सैना बोलती है कि ऐश मेरे पास अभी तक ज्यादा स्ट्रांग पोकेमॉन नहीं है और मेरी पोकेमॉन टीम भी पूरी नहीं हुई है, क्या मैं कुछ पोकेमॉन्स को कैच कर लूं? ऐश बोलता है बिल्कुल तुम पोकेमॉन्स को कैच कर सकते हो। तभी ऐश और उसके फ्रेंड्स एक परफेक्ट पोकेमॉन ढूंढते हैं सैना के लिए। उनको रास्ते में एक गार्डिवॉर देखने को मिलती है। सैना बोलती है वाह गार्डिवॉर, ये तो मुझे काफी टाइम से चाहिए था, मैं इसको कैच करना चाहती हूँ। ऐश बोलता है फिर तुम इससे बैटल कर सकते हो। सैना अपने डेल्फॉक्स को भेजती है, गार्डिवॉर और डेल्फॉक्स दोनों बैटल स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे, बट क्योंकि नॉर्दर्न के पोकेमॉन बाकी रीजन के पोकेमॉन के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसी के चलते गार्डिवॉर डेल्फॉक्स को डिफीट कर देती है। सैना अपने डेल्फॉक्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है और भेजती है सिल्वियन को, जो कि बैटल करती है गार्डिवॉर से। अगेन ये बैटल काफी ऑसम होती है, सिल्वियन ऑलमोस्ट गार्डिवॉर को डिफीट कर देती है, पर एंड में गार्डिवॉर मून ब्लास्ट अटैक का यूज करके डिफीट कर देती है सिल्वियन को। सैना बोलते हैं कि अब मेरे पास कोई पोकेमॉन नहीं बचा है, अब मैं गार्डिवॉर को कैसे कैच करूं? ऐश बोलता है कि सैना नॉर्दर्न के पोकेमॉन काफी स्ट्रांग है, तुम्हें यहां के बाहर ही कोई पोकेमॉन कैच करना चाहिए।